जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार राज्य में विकास के नए रास्ते खोलने की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे घाटी से पाबंदियां हटाई जा रही है और इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर विशेष पैकेज का प्लान है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर अपने विजन को सामने रखा था, जिसे जमीन पर उतारने का काम हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर मंत्री समूह का गठन किया है। कश्मीर के लिए गठित मंत्री समूह में रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर और धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये समूह कश्मीर के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालयों की मदद का प्लान तैयार करेगा। इसका फोकस युवाओं के कौशल विकास पर होगा। केंद्र की मोदी सरकार को हर मसले पर घेरने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर मसले पर सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और पाकिस्तान या फिर किसी अन्य देश को इस मामले में हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर के मसले को भारत का आंतरिक मामला बताया है और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। राहुल के इस बयान को लेकर पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। आरएसएस ने सिविल सर्विस एग्जाम पेपर के हिंदी में अनुवाद होने पर आपत्ति जाहिर की है। आरएसएस का कहना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद से अशुद्धियां होती हैं। आरएसएस ने सिविल सर्विस एग्जाम के प्रश्न पत्र को हिंदी में तैयार करने की मांग की है। हाल ही के दिनों में विमान हादसे बढ़ते जा रहे हैं। DGCA भी गो एयर और इंडिगो एयरलाइंस के विमानों में बढ़ती तकनीकी दिक्कतों को लेकर गंभीर हो गया है। DGCA ने दो प्रमुख निजी एयरलाइंस कंपनी गो एयर और इंडिगो एयरलाइंस के साथ उनके बेड़े में शामिल एयरबस नियो एयरक्राफ्ट को लेकर अहम बैठक बुलाई है। शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे किराए में कटौती का तोहफा देने जा रहा है। भारतीय रेलवे कई ट्रेनों में 25% किराया कम करने की योजना को लागू करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार सुबह एक ट्रेन पटरी से उतर गई। कानपुर लखनऊ मेमू के 4 डिब्बे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पटरी से उतर गए। इस दौरान ट्रेन ने कानपुर स्टेशन की बाउंड्री को भी तोड़ दिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर है और ट्रेन को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। विंग कमांडर शालिजा देश की पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी हैं जो फ्लाइट कमांडर बनी हैं। 15 साल से वायुसेना में रहते हुए देश की सेवा करने वाली शालिजा धामी ने हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट में फ्लाइट कमांडर का पदभार संभाला है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपनी हार पचा नहीं पा रहा है। इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारत के लिए पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है। साथ ही अफगानिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान के रास्ते हो रहे व्यापार पर भी पूरी तरह बैन लगाने का विचार भी कैबिनेट की बैठक में सुझाया गया।